हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स ई पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि होने वाला है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। आप इस पॉइंट को अच्छे से कर लेना ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे चैनल के बारे में, जहाँ पे आप हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान ज्वाइन कर सकते हो इस ज्वाइन वाले बटन को दबा करके, जहाँ पे आपको बीकॉम का मेंबरशिप प्लान लेना है पर मंथ का, जहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको स्पेशली जो है मिलेगा वो होने वाला है फ्री सॉल्व असाइनमेंट्स। आपको आपके असाइनमेंट जो है फ्री में मिल जाएंगे, आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा, आपको हर एक तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके कोर्स के रिगार्डिंग, ताकि आपको स्मूथली आपका कोर्स जो है चलता रहे। साथ ही साथ आप अगर नोट्स हमारे कॉमर्स की पाठशाला से लेना चाहते हैं तो वो भी आपको बहुत ही लो कॉस्ट में मिलेगी। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट इफ यू विल टेक आवर मेंबरशिप प्लान, राइट। सो इसके बारे में तो बात होगी। अब बात कर लेते हैं हमारे प्लेलिस्ट के बारे में, इग्नू बीकॉम न्यू, जहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि इग्नू बीसीओसी 131 से लेकर के 138 और इसके अलावा बी कोला 138 और बीसीओएस 183 184 के वीडियोस अभी फिलहाल अवेलेबल हैं। जितने भी कोर्सेज आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाने वाला हूं, जहां पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी इन सारे प्लेलिस्ट में, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है ना। तो हमारा आज का टॉपिक हम कर लेते हैं, जो कि होने वाला है हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज होता है, उसका क्या फायदा होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहले जो फायदा है, वो है रिप्लेसेस मेमोरी। सो जब आप अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हो, जब आप अकाउंटिंग करते हो, तो यहाँ पे आपको आपके मेमोरी को बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं रखना होता, आपको हर एक बात अपने दिमाग में नहीं रखनी होती। आप यहाँ पे चीजों को कॉपी में लिखते हो, यू नो कंप्यूटर में लिखते हो, जिसके कारण से वो चीजें जो है आपके कंप्यूटर में या फिर आपकी कॉपी में स्टोर रह जाती है। तो इसके कारण से जो आपकी मेमोरी है वो उसको रिप्लेस करता है, आपको ईज ऑफ यू नो आराम देता है थोड़ा सा। सिंस ऑल द फाइनेंशियल इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, देयर इज नो नीड टू रिलाय ऑन मेमोरी, है ना। वही बात यहाँ पे बोली गई है कि जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं उन सब का रिकॉर्डिंग जो है बुक्स में किया जा रहा है, जिसके कारण से आपको अपने मेमोरी के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करने की जरूरत नहीं है। द बुक्स ऑफ अकाउंट विल सर्व एज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे वो एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आपके लिए काम करेंगे। एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड एट एनी टाइम कैन बी हैड फ्रॉम दीज रिकॉर्ड्स, तो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप इन सारे रिकॉर्ड्स के जरिए उस तरह की इन्फॉर्मेशन को आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये मेमोरी को रिप्लेस करता है और आपके दिमाग को थोड़ी सी शांति पहुंचाता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर एसेट्स, तो डेफिनेटली जब आप अकाउंटिंग करोगे तो आपका अपने एसेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल होगा। आपको पता होगा कि आपकी एसेट की वैल्यू कितने हैं, कितना आपके एसेट, सपोज लैंड जो होता है समटाइम्स वो अप्रिशिएट हो जाता है, समटाइम्स का मैक्सिमम टाइम वो अप्रिशिएट ही होता है, उसकी प्राइस जो बढ़ती है, राइट, समटाइम्स किसी चीज की प्राइस घटती है। तो आपका आपके एसेट के ऊपर कंट्रोल होगा कि आपका एसेट की क्या वैल्यू है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। सो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, the stock of goods in hand, the amounts receivable from these various parties, the amount invested in various other assets, etc. है ना? तो आपके पास एक तरीके से जानकारी होगी आपके assets के बारे में, जो कि है आपका cash in hand, cash at bank, stock of goods, ये सारी की सारी आपके assets हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होगी और आपका control इन सब चीजों के ऊपर होगा। Information about these matters help owner and management to make use of the assets in the best possible way. अब जब आपके पास इन सब चीजों की जानकारी होगी तो तब आप इन सारे resources का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे और optimum utilization हो पाएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू यू नो रिमेंबर व्हेनेवर यू आर राइटिंग अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सो सबसे पहला है रिप्लेसेस मेमोरी, सेकंड पॉइंट इज प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर एसेट्स, नाउ द थर्ड पॉइंट facilitate the preparation of financial statements. So with the help of information contained in the accounting records, financial statements based for profit and loss and balance sheet can be easily prepared, है ना? तो जो भी accounting informations है वो अगर आपकी चीज आपके पास रहे, जो आपके books of accounts में लिखे गए हैं, तो आप उनको देख करके आप अपना financial statements तैयार कर सकते हो। मतलब आप अपना profit and loss and balance sheet बहुत ही आसानी से तैयार कर पाते हो, because आपके पास जो है accounting informations available है, right? These statements enable the businessman to know the net result of the business during an accounting period and its financial position. तो ये जो informations होती हैं, accounting informations होती हैं, accounting जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, उसकी जो informations आपके पास आ रही है, उसके जरिए आप ये check कर पाते हो, एक businessman ये check कर पाता है कि जो net result है business का वो क्या है, क्या उनको profit हो रहा है या loss हो रहा है, या company का financial position अभी क्या है, ये सारी चीजें आप पता
कर पाते हो। नाउ द फोर्थ पॉइंट मीट्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। सो वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज सच एज ओनर्स, मैनेजमेंट, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, ईटीसी गॉट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स व्हिच हेल्प देम इन देयर डिसीजन मेकिंग, राइट। सो मीट द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स। सो अकाउंटिंग जब आप करते हो तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आपको हर एक चीज की जानकारी आपको अपने पास रखनी होती है, और जब भी किसी चीज किसी व्यक्ति को उस चीज की जानकारी हो चाहिए होगी तो आप उनको बहुत ही इजिली प्रोवाइड करा पाओगे। तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जो मैंने अभी आपको गिनाई है, ओनर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लेंडर्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, इन सब लोगों को जो है नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो कि आप उनको बहुत ही आसानी से प्रोवाइड करा पाओगे, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन ले पाएंगे। सो दीज आर द फोर बेनिफिट्स। इसके बाद और भी बेनिफिट्स हैं, मैं उसको भी किक करके आपको बता देता हूँ। पांचवा नंबर बेनिफिट है फैसिलिटेट्स अ कंपैरेटिव स्टडी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के केस में अकाउंटिंग जो होता है ना वो एक तरीके से कंपैरेटिव स्टडी को बढ़ावा देता है, उसको फैसिलिटेट करता है, राइट। क्योंकि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी तो आप एक एक कंपनी को दूसरे कंपनी के साथ कंपेयर करोगे, है ना। कंपैरेटिव स्टडी आप कर पाओगे, जब होगा ही नहीं तो फिर आप कैसे करोगे। तो अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है कि आपके पास वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो जिसके जरिए आप किसी और कंपनी के साथ खुद की कंपनी को आप कंपेयर कर सको और जो भी डिसीजन आपको लेने हैं वो आप ले सको। नाउ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड will enable the enterprise to compare its present position with that of its past. तो प्रेजेंट जो कंडीशन है आपका उसको आप कंपेयर करते हो आपके पास्ट के कंडीशन के साथ विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि इसका एडवांटेज है कि आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, और आप कंपेयर करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश करते हो कि आपका बिजनेस जो है किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये तो पास्ट की बात हो गई, साथ ही साथ ऐसे भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सेम इंडस्ट्री में होती है, सेम डोमेन में होती है, मतलब जो बिजनेस आप कर रहे हो वही बिजनेस कोई और भी कर रहा है, तो आप उनके भी बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को कंपेयर करके पता लगा सकते हो कि बिजनेस आपका किस तरीके से काम कर रहा है, राइट। यही बात यहाँ पे बोली गई है। दिस हेल्प्स देम टू ड्रॉ यूजफुल कंक्लूजंस एंड इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंसेस। सो ये जो है एक तरीके से यूजफुल कंक्लूजन निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, और आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये होता है, राइट। असिस्ट द मैनेजमेंट इन मेनी वेज। सो अकाउंटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो आपको हर एक लेवल पे आपको असिस्ट करेगा। तो जो मैनेजमेंट होता है उसको असिस्ट करने का काम जो है इसका होता है, मैनेजमेंट को ये बहुत अच्छे तरीके से असिस्ट करता है। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई रीजंस फॉर प्रॉफिट अर्नड और लॉस सफर्ड, है ना। तो इसके माध्यम से जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको ये पता लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि प्रॉफिट जो आपका अर्न हुआ है वो क्यों हुआ है, है ना, या फिर अगर आप लॉस सफर कर रहे हो तो क्यों सफर कर रहे हो। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजंस helps in taking necessary steps to increase profits further or to avoid losses, है ना। तो जब आप आइडेंटिफिकेशन कर लेते हो अपने प्रॉब्लम्स का, जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही है, तो आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हो या जो लॉसेज आपको हो रही हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हो। तो आपके पास जब पहले से इंफॉर्मेशन रहेगी तो मैनेजमेंट एक तरीके से काम ठीक तरीके से कर पाएगा और वो लॉसेज को अवॉइड कर पाएगा, है ना। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विल ऑल्सो हेल्प इट्स इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से भी हेल्प करता है कि वो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में आपकी हेल्प करता है, जहां पे आप इन दोनों एक्टिविटीज को बहुत ही आसानी से कर पाते हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, राइट। सातवा नंबर पॉइंट है डिफिकल्ट टू कंसील फ्रॉड एंड थेफ्ट, है ना। तो समटाइम्स क्या होता है देखना कि जब आप बिजनेस में काम कर रहे हो तो आपके बिजनेस में बहुत बारी जो होता है चोरी हो जाती है, या लोग जो है फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताते हैं। लेकिन जब आप अकाउंटिंग करोगे ना तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है आपके सामने होंगी, क्योंकि हर एक चीज पेपर पे है, तो कोई आपके साथ यू नो कुछ छुपा नहीं पाएगा, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर पाएगा, कोई आपके आपकी सामान को चोरी नहीं कर पाएगा, है ना। सो इट इज डिफिकल्ट टू कंसील फ्रॉड थेफ्ट ईटीसी एज देयर इज अ ऑटोमेटिक चेक इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक बैलेंसिंग ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे किसी भी तरह का फ्रॉड या थेफ्ट होने की चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक चेक होता है, जो भी आपकी पीरियोडिक बैलेंसिंग होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की उसको पीरियोडिकली चेक किया जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे किसी भी तरह का फ्रॉड या फिर थेफ्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। फर्दर इन बिग ऑर्गेनाइजेशंस द रिकॉर्ड कीपिंग वर्क इज डिवाइडेड अमंग मेनी पर्संस, है ना। जो रिकॉर्ड कीपिंग वर्क है वो बहुत सारे लोगों में एक तरीके से बांट दिया जाता है, जिसके कारण से जो चांसेस है फ्रॉड कमिट होने के वो एक तरीके से मिनिमाइज हो जाते हैं। देखो जब एक व्यक्ति बहुत सारे काम करेगा ना तो उसके पता होगा कि कहाँ से वो पैसे चुरा सकता है या कहाँ से वो कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर आप बहुत सारे लोगों को काम दे दोगे तो वो क्या करेगा, वो आपस में मिल करके काम करेगा, तो किसी के मन में ये ख्याल नहीं आया कि मुझे चोरी कर रही है, क्योंकि अगर वो करेगा तो डेफिनेटली दूसरा वाला बंदा जो है उसके बारे में बता देगा बॉस को,
है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अपॉइंट कर दिया जाता है ताकि जो है यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस भी मिनिमाइज किए जा सके। नाउ चौथा आठवां पॉइंट है टैक्स मैटर्स। अब गवर्नमेंट को भाई टैक्स चाहिए। समटाइम्स क्या होता है कि गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स आपसे डिमांड करती है, तो उस केस में आप अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आप ये पता लगा सकते हो कि आपकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी कितनी है और अगर आपको किसी भी तरह का छूट मिल रहा है तो कितना मिल रहा है ना। Now, the government levies various taxes such as custom duty, excise duty, sales tax and income tax. Properly maintained accounting records will help in the settlement of tax matters with the tax authorities. So sometimes क्या होगा कि government ने tax तो लगा दिया लेकिन आप जब अपने books को check कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि आपकी tax liability तो इतनी है ही नहीं, तो उस केस में आपका जो है झगड़ा हो जाता है tax authorities के साथ, झगड़ा मतलब अनबन हो जाती है। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हो और इन सारे जो टैक्स मैटर्स हैं उनको आप सॉल्व करते हो विद द हेल्प ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन साइट, राइट। तो टैक्स मैटर्स में ये भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नाउ एसरटेनिंग द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस की वैल्यू को निकालने के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सपोज एक बिजनेस की लास्ट टाइम जो बैलेंस शीट थी उसमें बिजनेस की जो वैल्यू थी वो 8 लाख रुपए है, इस साल 4 लाख रुपए बढ़ गई तो 12 लाख हो गए, है ना। तो बैलेंस शीट के जरिए आप अपने बिजनेस के वैल्यू का निकाल सकते हो। सो इन द इवेंट ऑफ सेल ऑफ अ बिजनेस, जब आप बिजनेस को सेल करने जाते हो द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल हेल्प इन एसरटेनिंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो जब आप सेल करने जाओगे तब एक तरीके से जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको हेल्प करता है ट्रू वैल्यू निकालने में किसी भी बिजनेस की, राइट। सो दीज आर द एडवांटेजेस दैट यू विल गेट इफ यू विल फॉलो और इफ यू विल यूज अकाउंटिंग इन योर बिजनेस, राइट। सो दीज आर द बेनिफिट्स। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा जहां पे मैंने आपको एडवांटेजेस बताए हैं अकाउंटिंग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया भाई तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करो और हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान के साथ जुड़ो क्योंकि वहां पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।